हे एवरीवन, मैं आपके साथ आज पालक की नए तरीके की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है लहसुनी पालक की रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। लहसुन और मिर्च का तड़का इसे और ज्यादा फ्लेवरफुल बना देता है। तो चलिए देखते हैं लहसुनी पालक को बनाते कैसे हैं। तो लहसुनी पालक बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई या बर्तन में मैंने 4 कप के करीब पानी ले लिया है। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे करके इसे थोड़ा गर्म होने देंगे और फिर डालेंगे 250 ग्राम पालक के पत्ते। पालक उबालने के पहले इसे अच्छे से धो लें और फिर इसे उबालें। इसे हमें ज़्यादा नहीं उबालना, सिर्फ इसे 1 या 1.5 मिनट के लिए ही उबालना है। अगर आप पालक को ज़्यादा उबालेंगे तो इसका कलर जो है जैसा हमें हरा चाहिए वैसा नहीं आएगा। 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं तो इसे तुरंत ठंडे पानी में हमें निकाल लेना है ताकि इसका नेचुरल कलर मेंटेन रहे। अगर गर्म पानी में ही छोड़ देंगे इसे तो इसका हरा रंग चला जाएगा, तो इन दो बातों का ध्यान ज़रूर रखें। कुछ इस तरह से पालक को ठंडे पानी में मैंने निकाल लिया है। अब कुछ सेकेंड्स इसे ठंडे पानी में छोड़ें और फिर इसे तुरंत ठंडे पानी से निकाल कर अच्छे से निचोड़ कर आधे पालक को मिक्सर में पीसकर स्मूथ प्यूरी बना ले और आधे पालक को बारीक काट ले। कुछ इस तरह से ये रेडी है। तो अब एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब घी। घी को लो टू मीडियम आंच पर हमें गर्म होने देना है। आप घी की जगह सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये सरसों के तेल में भी बहुत अच्छी बनती है। घी गर्म हो गई है अच्छे से, तो अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून खड़ा जीरा और इसे थोड़ा तड़कने देंगे। फिर डालेंगे 1/2 टेबलस्पून के करीब बारीक कटे हुए लहसुन और लो फ्लेम पर हमें इसे थोड़ा भून लेना है। इसे हमें हल्का सा ब्राउन करना है। हल्का सा जला हुआ लहसुन का जो स्वाद इसमें आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं लहसुन में हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। तो अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में डालेंगे 1 बीच से कटी हुई हरी मिर्च और इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए हमें धीमी आंच में ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए। तो अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून बेसन और इसे भी प्याज लहसुन के साथ 1 मिनट के लिए हमें भून लेना है। बेसन डालने से ग्रेवी थोड़ी थिक बनती है और जब ये बनकर तैयार हो जाती है तो सब्जी में अलग से पानी नहीं नजर आता। 1 मिनट बेसन को भूनते हुए हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। आप इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ स्किप कर रही हूँ। ड्राई मसाले को हल्का सा कुछ सेकेंड्स के लिए हमें भून लेना है। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं तो इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए पालक जो मैंने पहले अलग कर लिए थे और इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुन चुकी है। तो अब इसमें डालेंगे पालक की प्यूरी और फ्लेम को मीडियम पर करके इसे तब तक भुनेंगे जब तक इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता है। 1 से 1.5 मिनट और भुनने के बाद आप देख सकते हैं तेल इसमें नजर आने लगा है, तो इसका मतलब है पालक अच्छे से भुन चुकी है। अब हमें इसमें पानी ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ 1/2 कप के करीब पानी डाल रही हूँ और इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। जब तक ये पालक पक रहा है तब तक चलिए इसमें डालने के लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, आप तड़का पैन भी यूज़ कर सकते हैं। इसे गर्म कर ले और डाले 1 टेबलस्पून घी और इसे गर्म होने दे। घी गर्म हो गई है तो फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखकर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा और इसे थोड़ा तड़कने देंगे। फिर बीच से तोड़कर डालेंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च और साथ में डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब कुटी हुई लहसुन। इन्हें हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सॉटे कर लेना है। तड़का रेडी है तो चलिए पालक को चेक कर लेते हैं। पालक भी ऑलमोस्ट रेडी है तो इसमें डालेंगे लहसुन का तड़का और इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और कुछ सेकेंड्स के लिए इसे पालक के साथ अच्छे से पका लेंगे। और ये लीजिए, बनकर रेडी है टेस्टी लहसुनी पालक की डिश।
ये देखने में जितनी अच्छी लगती है उससे कई ज़्यादा ये खाने में लगती है। इसे आप गर्मा गर्म चावल, रोटी या पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी लहसुनी पालक की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, टेक केयर।